अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके। हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बैंगन फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि नए आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो बैंगन ले लिए हैं और हमने उसे कुछ इस तरीके से कट करके फ्राई कर लेना है। हमें सारे बैंगन को कुछ इस तरीके से ब्राउन करना है। जब ये सब ब्राउन हो जाएंगे तो उसे हम उतार लेंगे। इसके बाद हमने थोड़े से ऑयल में 2 अदद साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और थोड़े से कड़ी पत्तों का भगार लगाएंगे। जब ये थोड़ा पकने लगेंगे और इसमें से खुशबू उठने लगेगी तो हमने 2 अदद प्याज जो बड़े साइज़ की थी उसे ग्राइंड करके शामिल किया है। इसे अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाला लगे नहीं। अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक का शामिल किया है, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाले का शामिल किया है। जब ये मसाले भुन जाएंगे हमने इसके अंदर 4 बड़े साइज़ के टमाटर को ग्राइंड करके शामिल करना है। इस टमाटर को भी हमने गला लेना है। जब ये गल जाएंगे तो उसके अंदर हमने फ्राई किए हुए बैंगन को बिछा लेना है। और हमारे पास 1 पाव दही है जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है, जिससे हम बिरयानी की तह बनाते हैं। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर दही डाल के तह बनानी है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर छिड़कते रहना है। तो ये देखें, हमने इन सब की तह बना ली है और इसके ऊपर हर तह पे हमने ज़ीरा पाउडर को छिड़का है। अब हम इसे थोड़ी सी देर दम पे रखेंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, कितने मज़ेदार बैंगन फ्राई बन के रेडी हुए हैं। तो आप इसे घर में ट्राई करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स।